हेलो नमस्कार जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन एंड विंड में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मच्छर भगाने का 100% असरदार नुस्खा लेके आई हूँ। देखिए, आजकल गर्मी का मौसम है और इसमें चारों तरफ अब जैसे बरसात आ रही है तो बहुत ही मच्छर ही मच्छर हो जाएंगे और बहुत काटते हैं, जिससे कि मलेरिया वगैरह होने का डर बना रहता है। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि मच्छरों को भगाने के लिए हम लोग कॉइल्स और जो लिक्विड वगैरह जो लगाते हैं, प्लग में लगाते हैं बोतलों जैसा, तो उनका प्रयोग करते हैं। ये इतने घातक होते हैं कि इनके प्रयोग से, इनके धुएं से फेफड़ों पर बहुत गलत असर पड़ता है और कहीं कहीं देखा गया है कि लोगों की मौत भी हो जाती है। और इन कॉइल्स से और लिक्विड से इंसान को कैंसर तक हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खा बताना चाहती हूँ। जैसे हमें, देखिए, इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ें बड़ी घातक सिद्ध होती हैं इंसान के लिए। जैसे लोग छोटे छोटे बच्चे सुलाए होते हैं, वहीं भी बोई लगा देते हैं। जब बड़ों के ऊपर गलत असर कर सकते हैं तो बच्चों को देखिए कितनी हानि होती होगी। तो इसको बिल्कुल अवॉइड करें, इनका प्रयोग ना करें। और मच्छरों को भगाने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो हम तो लोग फिर उसको प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं कुछ नुस्खे बताना चाहती हूँ जिनका प्रयोग करें। जैसे कि आप कैम्फर यानी कि कपूर की टिकियाँ लाएं, जिनको कि ऐसे पूजा में भी जलाते हैं, तो उनको जलाएं। एक जैसे कोली में रख लें या किसी चीज में भी रख लें और उसको जलाएं, तो उसके धुएं से भी मच्छर भाग जाते हैं। और एक मैं क्रीम बताऊंगी, जैसे कि बच्चों को भी बाहर ले जाते हैं तो जो दूसरी क्रीम में आती हैं बाहर के, ऐसे लगा देते हैं कपड़ों पे, लगा देते हैं हाथ पैर पे, लगा देते हैं कहीं भी, तो उनसे भी बड़े साइड इफेक्ट होते हैं, स्किन पे बड़ा गलत असर पड़ता है, तो उनको भी ना लगाएं। तो मैं एक क्रीम बता रही हूँ। देखिए, आपको वो किसी भी दुकान पे मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। जैसे कि देखिए, पेट्रोलियम जली लें, वो भी आसानी से मिल जाती है। और सिंट्रोनीला, एक सिंट्रोनीला वाइल होता है, उसको लें। क्या लें आप? पेट्रोलियम जली और सिंट्रोनीला वाइल, ये दो चीजें लें केवल। और उनको देखिए, एक चम्मच पेट्रोलियम जली डालें और 10 बूंदें जो हैं वो सिट्रोनीला की वाइल की डालें। ये एक तेल के रूप में मिलता है सिट्रोनीला, और पेट्रोलियम जली भी मिलती है। तो इन दोनों को मिलाएं, सिर्फ ऐसे मिलाएं कि एक चम्मच पेट्रोलियम जली और 10 बूंद सिट्रोनीला वाइल की डालें और इनको मिलाएं, और इनकी फिर मिला के क्या बन जाएगी, एक क्रीम जैसी बन जाएगी। जब भी आप बाहर जाएं या अपने बच्चों को ले जाएं तो उनके हाथ पैरों पे या जैसे थोड़ी थोड़ी कपड़ों पे लगा देते हैं, वहां पर लगाएं। इनके जैसे लगाने से दूर से मच्छर दूर भाग जाएगा। इस क्रीम का प्रयोग आप जरूर करें। जैसे दूसरी ट्यूब में आती हैं उनका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। ये बिल्कुल सस्ता इलाज है। देखिए, पेट्रोलियम जली भी बहुत अच्छी होती है और सिट्रोनीला वाइल जो है वो भी मेडिकल स्टोर पे ही मिल जाएगा। तो इन दो चीज़ों को मिला के केवल एक चम्मच डालें पेट्रोलियम जली का और 10 बूंदें। इस हिसाब से आप ज़्यादा बना के रख सकते हैं, पर जैसे मैंने बताया कि एक चम्मच में 10 बूंदें ही डालें, तो उसी हिसाब से आप ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं। जैसे 2 चम्मच डालेंगे तो आप 20 बूंदें डाल दें उसमें। ऐसे ही आप लिमिट बढ़ाते चले, अगर आपने ज़्यादा बना के रखना है। अगर उस टाइम तो बार बार कौन बनाता है, इकट्ठी बना के रख लें। और जब भी बाहर जाएं, आप खुद भी बच्चों को भी ले जाएं, तो उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे कपड़ों पे, हाथ पैरों पे, जैसे छोटे बच्चे हाथों को मुंह में डालते हैं तो हाथों में ना लगाएं, दूर दूर ही लगाएं। तो इससे आपको कोई एलर्जी भी नहीं होगी और मच्छर भी आपके नज़दीक नहीं फड़केंगे। और देखिए, एक और प्रयोग भी है, जैसे कि नीम के सूखे पत्ते लें और प्याज के सूखे पत्ते लें, तेज पत्ता भी लें, कपूर की टिकिया लें, लौंग लें, नीम के पत्ते, सूखे पत्ते, प्याज के सूखे पत्ते और तेज पत्ता,
वो भी सूखे होते हैं, तो वो भी ले और कपूर की टिकियां भी ले और इन सभी का पाउडर बना ले। ये भी एक नुस्खा, ये भी है, इसको भी करके आजमा लें कि नीम के सूखे पत्ते और प्याज के छिलके सूखे और तेज पत्ते और साथ में कपूर की टिकिया और लौंग, इन सभी चीज़ों का एक पाउडर बना लें और इनका मिक्सी में बना लें, चाहे ऐसे बना लें कुंडी वगैरह में। इस पाउडर को बनाकर डिब्बे में रख लें, जब चाहे प्रयोग करें। इसको क्या करें कि एक दिया लें, उस दिए में एक बाती भी ले लें साथ में और तेल डाल दें, कड़वा तेल डाल दें आप, या आपके पास नीम का तेल हो तो नीम का तेल डाल दें। और जो आपने ये पाउडर बनाया, नीम के पत्ते और प्याज के पत्ते, जैसे प्याज के छिलके होते हैं सूखे, और तेज पत्ता और साथ में कपूर की टिकिया और लौंग, इन सभी का जो चूर्ण बना बना के रखा हुआ है आपने, वो उस दिए में डाल दें। दिए में तेल भी डालें, कड़वा तेल, और उसमें ये सारा पाउडर थोड़ा सा डाल दें, जैसे कि बना के रख लें एक बार, और थोड़ा सा उसमें डाल दें और एक बाती भी जलाएं, डालें उसमें दिए में और फिर उसको जलाएं। जब भी आपको लगे कि मच्छर आ रहे हैं तो जलाएं, इसके धुएं से ही मच्छर भाग जाते हैं, बाहर भाग जाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको मच्छर, आजकल ये मौसम बहुत खराब आ रहा है, तो इसके बारे में बताया आपने। वो क्रीम जो बताई मैंने, पेट्रोलियम जेली और सिंड्रोनीला ऑयल, ये लाएं आप, और बस इसकी क्रीम बन जाएगी। इसको एक चम्मच के हिसाब से, जैसे कि चम्मच पेट्रोलियम जेली ले तो 10 बूंदें डालें उसमें सिंड्रोनीला ऑयल, तो उसका एक क्रीम बना लें आप, क्रीम जैसी बन जाती है, उसको मिलाएं ठीक ढंग से और एक डिब्बे में या किसी चीज में, बोतलों में बंद करके रख लें। जब भी बाहर जाएं तो हाथ पैरों पे जरूर लगाएं, कपड़ों पे लगा लें थोड़ी थोड़ी, तो इससे भी मच्छर नज़दीक नहीं आएंगे। और जैसे कॉइल वगैरह का और जो लिक्विड प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, इन चीज़ों को अवॉइड करें। तो देखिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले कि मैं इससे भी अच्छी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।